सीरियल इशारों इशारों में आज योगी की फैमिली एक साथ नजर आ रही है। खाने की टेबल पर सबकी मस्ती भी साफ देखी जा सकती है। निशा कबीर कहाँ रह गया? वो कबीर नाना जी के लिए न्यूज़पेपर लाने गए। लाने गए? हाँ। हाँ, वो अखबार वाला जाया नहीं ना, उसे आने दो, कल कल देखता हूँ। कल देख लीजिएगा, अभी नाश्ता करिए। बाबू जी को तो आने दे, पापा वो आ रहे हैं धीरे धीरे, योगी गए नाने। आराम से बाजी। वाकई काफी दिनों बाद इन सबके चेहरे पर खुशियां नजर आ रही हैं। तो चलिए परी से ही जान लेते हैं कि खाने की टेबल पर क्या क्या बातें हो रही हैं। वो एक्चुअली जैसे कि आप लोगों ने देखा कि योगी की शादी टूट गई है, तो इस वजह से पूरा परिवार परेशान है। तो अभी ऐसा कोई सीन, मतलब ऐसा कोई सीन हुआ कि गुंजन के पापा ने कुछ ऐसा काम करते जिसकी वजह से पूरा परिवार परेशान हो रखा है फिलहाल। तो वही मैटर में जब हम डिस्कस कर रहे थे डाइनिंग, मतलब वो डाइनिंग टेबल में बैठ के, तो इसलिए सब थोड़ा अपसेट। सब खुश हों और कोई धमाका ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। देखिए तो कैसे एक खबर सुनकर सभी घर वालों का रिएक्शन ही बदल गया है। पेस्ट्री में गुंजन की एंगेजमेंट की फोटो छपी है, सारे मोहल्ले वालों ने खबर कर दिए, सब बातें कर। भाई वाह, योगी और गुंजन की शादी टूटे अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और गुंजन मैडम ने तो दूसरी सगाई भी कर ली है। अब इस खबर पर पापा जी की नाराजगी तो बनती ही है। हमें दिखाने के लिए आखिर शिव ने अपनी बेटी की मंगनी की फोटोग्राफ अखबार में छपवा दी। ये सब उस चौहान ने किया मामू, वही चाहता था कवरेज। वैसे एक तरफ जहां ये सब कुछ चल रहा है, वहीं परी और योगी के बीच टेंशन देखने को भी मिल रही है। तो चलिए योगी और परी से ही जान लेते हैं कि आखिर दोनों के बीच ये क्या हो रहा है। हाँ, वो बेसिकली हुआ क्या था कि गुंजन के फादर ने, वो जो इंगेजमेंट हुई है उसकी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, तो उसको देख के सब थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा अपसेट था और ये मेरे रूम में आके मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करती है, जिससे कि योगी इरीटेट हो जाता है और थोड़ी सी कहा सुनी हो जाती है, तो वही इरीटेशन यहाँ डाइनिंग टेबल पर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। वेल, आप सबको ये भी बता दें कि परी मैडम इन दिनों योगी के लिए साइन लैंग्वेज भी सीख रही हैं। भाई हमें तो लग रहा है कि जल्द ही योगी की लाइफ से गुंजन आउट और परी इन होने वाली है। क्यों परी, आपको क्या लगता है? वो तो मैंने खुद भी रियलाइज नहीं किया कि ये अभी है क्या। मैं तो इससे फिर हम दोस्त हुए, पर जैसे मैंने सीन में भी कहा है कि मैं अपने यू नो साइन लैंग्वेज में बहुत अमेजिंग लगता है किसी से इशारों इशारों में बात करना, तो शायद इसी वजह से या फिर कुछ और भी हो सकता है, क्या पता। योगी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हाथों पर ये पट्टी क्यों बंधी है, क्या ये सीन की डिमांड है या फिर आपको रियल में चोट लगी है? तो आई वाज डूइंग अ सीन, इसमें कुछ फेक ना था और कट आ गया, तो कल काफी चोट लगी, 7 स्टिचेस लगे। 7 स्टिचेस। वेल, एक तरफ गुंजन योगी को छोड़कर दूसरे की होने जा रही है, तो वहीं परी और योगी के बीच प्यार भरा टशन देखने को मिल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या योगी अपनी गुंजन को भुला पाएंगे और क्या ये सच्चाई एक्सेप्ट कर वो मूव ऑन कर पाएंगे। मुंबई से अपर्णा द्वेदी की रिपोर्ट, E24।